आज हम इस वीडियो के जरिए एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ रंगमंच की दुनिया में अपना परचम लहराया बल्कि सिनेमा में भी अपना जादू बिखेरा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यूनुस परवेज की। इनका जन्म सन 1931 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ और इनके वालिद यानी कि पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर थे, लिहाजा इनका अक्सर ही अलग अलग शहरों में तबादला हो जाया करता था, जिस वजह से उन्होंने कुछ पढ़ाई मुगलसराय तो कुछ जौनपुर जैसे शहरों में की और उसके बाद यूनुस साहब एमए की शिक्षा के लिए इलाहाबाद पहुंचे और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने श्री हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राही मासूम रजा और अजीम शायर फिराक गोरखपुरी से शिक्षा ली। एमए की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने और भी आगे पढ़ने का सोचा और पीएचडी करने की ठान ली। कुछ वक्त बाद ये एक्टर दीवान वीरेंद्रनाथ से मिलने दिल्ली की ओर निकल पड़े और वहाँ इन्होंने उनके जमाने की मशहूर राइटर कुत्सिया जैदी से मुलाकात की और फिर उनकी थिएटर भी ज्वाइन कर ली। ये वही वक्त था जब यूनुस साहब को उत्तर प्रदेश के बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। थोड़ी सी चूक हो गई, माफ करना, वरना आज कढ़ाई में दूध के बजाय सोना होता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, जरूर होगी। इतने नामी ग्रामी लोगों से मिलने के बाद यूनुस परवेज ने पीएचडी करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और कुछ साल थिएटर में बिताने के बाद ये साल 1964 में मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में इन्होंने इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया और यहाँ फिर एक बार इन्होंने बलराज साहनी और ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे कई दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया और सन 1968 में इन्हें पहली फिल्म मिली जिनका नाम था हसीना मान जाएगी। इसके बाद सन 1971 में इन्हें उपहार फिल्म में मांझी का किरदार मिला जिसमें इन्होंने मांझी के किरदार को बहुत बखूबी से निभाया और फिर कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने के बाद इन्होंने एक बार फिर दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ रहीम चाचा का किरदार निभाया और फिर इन्होंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा और लगातार आवाम और इंसाफ का तराजू और दी बर्निंग ट्रेन जैसी धमाकेदार फिल्मों में काम किया। यूनुस साहब मुंबई में मीरा रोड इलाके में रहा करते थे और 2005 में अपने बेटे के ही फिल्म पहली नजर का प्यार में इन्होंने आखिरी बार अभिनय किया जिसके बाद इनका इंतकाल हो गया। निश्चित तौर पर यूनुस परवेज फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही उम्दा कलाकारों में से एक है और आज भी इनके चाहने वालों की कोई भी कमी नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।